हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सब लोग, आप लोग की बिहार में जो लेखपाल की अकाउंटेंट का आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं करा रही थी। टैक्सेशन की क्लासेस अलग से चल रही हैं आपकी और साथ में अकाउंट्स की भी क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी। तो फर्स्ट वीडियो इनकम टैक्स पर जो रही थी उसमें हमने समझा था इनकम टैक्स क्या है, किस टाइप का ये टैक्स होता है, क्या क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है, कब से लगाया गया था। आज की वीडियो में इसके आगे हम ये देखेंगे कि किस बेसिस पे लगाया जाता है, जो कि उसका रेजिडेंशियल किस तरह से कोई भी व्यक्ति उस कर को चुकाता है, तो उसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, ये आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड साथ शेयर भी किया करिए ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो रेजिडेंट होता है, निवासी होता है, वो कितनी तरह का होता है। तो जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, आयकर अधिनियम 1961 है, उसके अकॉर्डिंग जो निवासी होता है वो तीन तरह से डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है साधारण निवासी, फिर होता है असाधारण निवासी, और थर्ड हो जाता है अनिवासी। कैसे ये साधारण या असाधारण या अनिवासी, यानी कि ऑर्डनरी, नॉन ऑर्डनरी और नॉन रेजिडेंट बनते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बताई है दो तरह की शर्तें होती हैं। एक हो जाती है आपकी आधार शर्तें यानी कि बेसिक कंडीशंस, दूसरी हो जाती हैं जो आपकी अतिरिक्त शर्तें हैं यानी कि एडिशनल कंडीशन। उन्हीं के बेसिस पर ये निकाला जाता है कि वो व्यक्ति किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी असेसमेंट ईयर में, ध्यान दीजिएगा किसी असेसमेंट ईयर में, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर इस वर्ष वो निवासी रहा है, एक ऑर्डनरी रेजिडेंट रहा है, तो अगले वर्ष में भी वो ऑर्डनरी रेजिडेंट ही होगा। हो सकता है वो नॉन रेजिडेंट हो या नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उन जो आपकी बेस कंडीशन है और जो साथ में एडिशनल कंडीशन है उस पर कि वो किस वर्ष में किस तरह का रेजिडेंट है, किस तरह का निवासी है, इस पर डिपेंड करता है। क्या होती है वो कंडीशन, एक बार ये देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल पाए। तो जो बेसिक कंडीशन होती है उसमें रहता है कि किसी गत वर्ष में, किसी प्रीवियस ईयर में वो व्यक्ति जो हो वो कम से कम 182 डेज 182 दिन भारत में रहा हो। यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, लगातार कंटिन्यूस रहना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो कुछ दिन रहा हो उसके बाद वापस चला गया, फिर आके कुछ मंथ रहा या कुछ दिन रहा, ओवरऑल उसका उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना कंपल्सरी है। और दूसरी शर्त हो जाती है जो बेसिक शर्त रहेगी कि जो गत वर्ष से यानी जो प्रीवियस ईयर से पहले के 4 ईयर्स रहे होंगे उसमें टोटल मिलाकर के वो 365 डेज इंडिया में रहा हो, भारत में रहा हो, तो माना जाएगा। और गत वर्ष में यानी कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन में रहा हो, या तो आपकी दोनों शर्तें या तो दोनों में से कोई एक शर्त पूरी होना जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक कंडीशन। दूसरा आ जाता है जो आपकी एडिशनल कंडीशंस होती है, अतिरिक्त शर्तें हैं, उसमें क्या रहेगा। अतिरिक्त शर्त में पहली शर्त होती है कि गत वर्ष यानी जो प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले के, उससे भी पीछे जाएंगे हम, उसके पिछले के 10 इयर्स जो होते हैं, 10 साल जो होंगे, उसने कम से कम टोटल मिलाकर वो 2 वर्ष 2 इयर्स भारत में रहा हो, 365 गुणे 2 कर दीजिए तो कितने दिन आ जाते हैं, हो जाएंगे आपके 730 दिन, यानी कि 730 डेज कम से कम भारत में रहा हो, ये पहली हो जाएगी उसकी जो अतिरिक्त शर्त होगी। जो अतिरिक्त शर्त है वो क्या हो जाएगी कि वो गत वर्ष को छोड़कर, प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, उससे पहले के 7 जो ईयर्स होंगे, 7 वर्ष जो होंगे, उसमें कम से कम 730 दिन ही भारत में रहा हो, ये 2 अतिरिक्त शर्तें हैं। इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वो निवासी है, अनिवासी है, या फिर असाधारण निवासी है। तो कौन आपका साधारण निवासी यानी कि जो आपका रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है, वो होगा, वो हो जाएगा, वो कम से कम गत वर्ष में निवासी तब माना जाएगा कि वो आधार शर्तों में से जो बेसिक कंडीशन है कम से कम उसमें से कोई एक शर्त को पूरी करता हो, और जो दोनों एडिशनल कंडीशंस थी, अतिरिक्त शर्तें थी, उनको भी पूरा करता हो, तब उसे हम साधारण निवासी मानेंगे। दूसरी शर्त जो आपका रहेगा, जो आपका असाधारण निवासी है, नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट है, तो व्यक्ति कम से कम जो आपकी बेसिक कंडीशन है, आधार शर्तें, उनमें से एक शर्त को पूरी करे, और दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को वो पूरी नहीं कर रहा होगा, एडिशनल कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा होगा, तब हम उसे मानेंगे कि वो असाधारण निवासी है, नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट है। थर्ड आ जाता है आपका जो अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट होगा, उसके लिए कि दोनों ही वो आधार शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करेगा, एडिशनल की वो बात ही नहीं आएगी, मेन वो बेसिक जो कंडीशन है उसको ही पूरा नहीं कर रहा होगा, तो वो अनिवासी हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कि इस बेसिस पर जो आपकी एडिशनल कंडीशन है, बेसिक कंडीशन हो गई,
कौन के बेसिस पर कब क्या माना जाएगा आपने समझ लिया, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसको नोट भी कर लीजिएगा जो आपकी बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन है, साथ ही कब किसको क्या माना जाएगा, कब आधार शर्तें पूरी होने पर क्या मानेंगे, या अतिरिक्त शर्त भी हो रही है साथ में, अगर सिर्फ आधार शर्त ही पूरी नहीं हो रही तो वो क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, असाधारण निवासी कौन हो सकता है, हु मे बी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन व्यक्ति असाधारण निवासी हो सकता है, कि असाधारण निवासी कौन हो सकता है, तो यहाँ पर एक तो पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या फिर जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तीनों ही असाधारण निवासी नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसे HUF भी शॉर्ट में बोलते हैं, वो आपका असाधारण निवासी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है, विदेश में सेवा करते समय भारत सरकार द्वारा दिया गया वेतन, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इन इंडिया, इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इज इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम फॉर रेट पर्पसेस ओनली, नन ऑफ दी। यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे कि बैंक भी है, तो बैंक जो है बहुत से गवर्नमेंट बैंक ऐसे हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी हैं, तो वहां पर अगर वो काम कर रहे होते हैं तो उनको जो सैलरी दी जाती है, जो उनको इनकम मिल रही होती है तो वो भारत के ही सिटीजन, लेकिन जो अपनी वो सर्विसेज दे रहे हैं वो फॉरेन में दे रहे हैं, विदेश में दे रहे हैं, तो वहां पर जो उनका वेतन उनको दिया जा रहा है वो भारत के लिए कर योग्य होता है, टैक्सेबल होता है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन भागों में बांटा गया है, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ एन SSC ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंस। अभी मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था कि कितने उससे बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इंडियंस एंड फॉरनर्स, रेजिडेंट इंडियंस एंड नॉन रेजिडेंट इंडियंस, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, पर्सन, फर्म्स एंड कंपनीज। तो अभी जो मैंने आपको बताया है कितने नाम से बांटा जाता है, तीन तरह के होते हैं, एक आपका निवासी हो जाएगा रेजिडेंट, असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, फिर हो जाएगा अनिवासी यानी कि नॉन रेजिडेंट। ये तीन टाइप्स के होते हैं। तो कई आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है, इनकम अक्यूरिंग इन इंडिया इज एक्सेसिबल फॉर ऑल SSCs रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारत में उपार्जित यानी कि एक ऐसी इनकम है जो भारत में ही उपार्जित जो हुई वो इंडिया में ही हुई है, जैसे कि कोई बाहर जॉब कर रहा है लेकिन बाहर उसको इनकम मिली तो उपार्जित वो इंडिया के बाहर मानी जाएगी, लेकिन बाद में उसने इंडिया में भेजी तो वहां पर कंडीशन अलग अलग हो जाती है कि किस तरह के बिजनेस से है, क्या वो उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा था पहले कि वो भारत सरकार के ही कोई उपक्रम में किसी एंटरप्राइजेस में किसी बैंक में काम कर रहा था, उसको वहाँ इनकम मिल रही थी तो उसको हम मान रहे थे कि यहाँ इंडिया में टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर बाहर ही उपार्जित हो रही है, किसी बाहर की ही कंपनी में वो लगा हुआ है, उसके बाद में वो इंडिया में भेज रहा है, तो वहाँ पर वो टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ही उपार्जित है तो किसके लिए कर योग्य होगी, उस सभी करदाताओं के लिए, ऑल SSCs के लिए कर योग्य होगी, टैक्सेबल होगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द SSCs आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कितनी कैटेगरीज में इसको विभाजित किया गया है जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। अभी मैंने समझाया आप लोग को डिटेल में, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो भी क्वेश्चन मैं पूछा करूँ उसके आंसर कमेंट किया करिए आप लोग। यहाँ पर बताइए मुझे कि कितने कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, वो अलग होती है, और रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो अलग होता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो भारत में नागरिक है, जो भारत में सिटीजन है, उस वर्ष को रेजिडेंट भी माना जाए, निवासी भी माना जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। क्योंकि सिटीजन होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना, भारत की नागरिकता होना आपके पास इम्पोर्टेंट होता है, आप वोट दे सकते हैं, आप भारत के नागरिक कहलाते हैं। लेकिन जो रेजिडेंट होता है वो जरूरी नहीं होता कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन हो सकता है कोई विदेशी है, फॉरनर है, यहाँ आके रहा और जो एडिशनल कंडीशन थी या बेसिक कंडीशन थी उसने वो पूरी करी, वो फुलफिल करी, तो यहाँ पर उसको इंडियन जो भी इनकम बनेगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो सिटीजन होगा, जो नागरिक होगा, वो यहाँ रह तो रहा है, लेकिन अगर उसकी इनकम पर
या रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग वो इंडिया में उतने दिन नहीं रहा कि उसे टैक्स देना पड़े, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा भले ही उसकी नागरिकता भारत की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एक्सेसिबल फॉर रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट टैक्सेबल। तो कोई इनकम जो कृषि आय होती है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम जो होती है टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर अगर पाकिस्तान में कृषि से आय उसे मिल रही है और उस वर्ष वो इंडिया के लिए रेजिडेंट है, निवासी है, तो यहाँ पर उसकी आय क्या होगी, सिर्फ निवासी के लिए ही कर योग्य होगी और किसी भी तरह उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना है। लेकिन उस वर्ष अगर वो इंडिया में निवासी होता है, रेजिडेंट माना जाता है, तो उसे अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो कि पाकिस्तान में हो रही है उस पर भी टैक्स इंडिया में देना होगा। पाकिस्तान में जहाँ कोई भी कंट्री हो सकती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा यदि उसकी कुल आय जो विदेशी स्रोतों से आय को छोड़कर गत वर्ष के दौरान 15 लाख तक हो। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु गोज अब्रॉड फॉर द पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, he must stay in India to become a resident for at least, if his total income other than income from foreign sources up to Rs. 15 lakh during the previous year, 182 days, 90 days, 60 days, 180 days. तो यहाँ पर निवासी के लिए सीधे तौर पर पूछा है, तो निवासी होने के लिए पहले इम्पोर्टेंट जो है कि वो जो बेस कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, आधार शर्तें वो पूरी करता हो। जब वो पूरी करता होगा तभी उसको निवासी माना जाएगा, उसके बाद हम एडिशनल के बारे में सोचेंगे, पहले हमें बेसिक कंडीशन देखनी है। तो बेसिक कंडीशन के लिए जो कह रहा है कि गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश को गया था, किसी फॉरेन कंट्री में गया था, लेकिन भारत में निवासी होने के लिए इनकम उसकी 15 लाख से अबव है, टैक्सेबल हो रही है इंडिया में, उसको टैक्स देना चाहिए, एग्जम्प्टेड जो इनकम है उससे ज्यादा है, लेकिन कम से कम वो कितने दिन होना चाहिए, 182 डेज रहा हो, कम से कम 182 दिन जब वो भारत में रहेगा तभी वो बेसिक कंडीशन को पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी मे चेंज, द सर्टेनली चेंज विल नॉट चेंज, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निवासी स्थिति जो होती है, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, क्या हर वर्ष बदल जाता है? जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को नागरिकता के बारे में बताया, सिटीजनशिप के बारे में बताया, जो सिटीजनशिप होती है नागरिकता चेंज नहीं होती है, आपकी हो सकता है पूरी लाइफ टाइम अगर आप इंडिया में ही रह रहे हो तो इंडियन ही रहेंगे, भारत की नागरिकता रहेगी, किसी और कंट्री में जाके रहने लगते हैं तो वही की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं, वही की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एक व्यक्ति नॉर्मली अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन में, तो लाइफ टाइम अपना वो भारत का ही नागरिक रहेगा, इंडिया का ही सिटीजन रहेगा, लेकिन जो करदाता होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो हर वर्ष क्या हो सकता है, बदल सकता है, चेंज हो सकता है। अगर वो पूरे वर्ष इंडिया में रहा ही नहीं है, फॉरेन कंट्री में ही रहा है, तो उसे इंडिया में कोई कर नहीं देना पड़ेगा, वो अनिवासी माना जाएगा, उसे कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो आता जाता रहा है, तब हम ये देखेंगे कि वो बेस कंडीशंस को, या जो बेसिक कंडीशंस हैं या जो एडिशनल कंडीशंस हैं, उनको पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टैक्स लगाएंगे। तो क्या होता है, हर साल पर ईयर चेंज होती रहती है, तो निवासी स्थिति क्या होगी, बदल सकती है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, मे चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती, अ कंपनी डजंट बिकम द फॉलोइंग इन द प्रीवियस ईयर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक जो कंपनी होती है किसी भी गत वर्ष में क्या नहीं होती है, तो वो असाधारण निवासी नहीं होती, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होती। अभी आपको क्वेश्चन मैंने पहले भी थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा था, जो पहला क्वेश्चन था आपका कि असाधारण निवासी क्या होता है, तो वहां पर आपका कंपनी भी ऑप्शन में थी, लेकिन कंपनी आंसर नहीं था, आपका हिंदू एडवाइडेड फैमिली आंसर था। वही आपका थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक कंपनी गत वर्ष में क्या नहीं हो सकती, तो वो असाधारण निवासी नहीं हो सकती। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में व्यापार से आए जो भारत से नियंत्रित नहीं है कर योग्य है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इस तरह के बिजनेस से हमें किसी फॉरेन कंट्री में, विदेश में इनकम हो रही है, इनकम मिल रही है जो भारत से नियंत्रित नहीं है, यानी कि जिसका मैनेजमेंट भारत से नियंत्रित नहीं है,
जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन जो मैंने लिया था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था किसी बैंक में काम कर रहा है, तो उसका मेन जो हेड ऑफिस है वो तो इंडिया में ही है ना, तो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, वो इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया में है ही नहीं, कोई बाहर का ही कंपनी है, वहीं वो काम कर रहा है, इंडिया से उसको कोई लेना देना नहीं। जैसे एमएनसीज होती हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं, आप कहीं बाहर जाकर के जॉब कर रहे हो तो वो इंडिया से कंट्रोल नहीं है, वहीं की कंपनी है, किसी और देश से कंट्रोल है, तो वहां पर जो इनकम जनरेट उससे हो रही है, मिल रही है, किसके लिए टैक्सेबल होगी, किस तरह के जो करदाता है, जो एसएससी है उसके लिए टैक्सेबल होगी, तो वो सिर्फ आपकी जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जो साधारण निवासी होगा, उसी के लिए ही टैक्सेबल होगी, बाकी किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी आय कर मुक्त है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स? एग्रीकल्चर इनकम इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड होगी टैक्स से। तो यहाँ पर जो कृषि आय होती है, जो एग्रीकल्चर इनकम होगी, इंडिया में किसी भी तरह की आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो कर मुक्त हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। बाकी जो आपकी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो भी, और पूंजीगत लाभ या वेतन से, तीनों ही क्या होंगी, टैक्सेबल होती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मुक्त आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जेम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन? सेक्शन 10, सेक्शन 80C, सेक्शन 30, सेक्शन 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट है उसकी किस सेक्शन में जो टैक्स फ्री इनकम होती है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो धारा 10 दे रखी है, सेक्शन 10 है, उसमें दे रखा है कि कौन कौन सी इनकम जो होगी वो टैक्स फ्री होती है या एग्जेम्प्टेड होती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला दैनिक भत्ता होता है, द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जेम्प्ट टैक्सेबल टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो संसद में सदस्य होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उनको जो डेली अलाउंस मिलता है, जो दैनिक भत्ता मिलता है, वो क्या होगा, टैक्स फ्री होता है, टैक्सेबल होता है, या इनकम में ऐड किया जाता है? तो यहाँ पर जो दैनिक भत्ता उनको दिया जाता है वो क्या होगा, कर मुक्त होता है, एग्जेम्प्ट होता है, बहुत बेनिफिट मिलते हैं, बहुत से एडवांटेज भी मिलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्थी बच्चे की आय कर मुक्त होती है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड रुपीज 1000, रुपीज 1500, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500, विच एवर इज लेस होल इनकम। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो अवयस्क बच्चा है, माइनर है, यानी कि जिसकी जो आयु है, जो एज है, वो 18 ईयर्स के ब्लो है, 18 ईयर्स के से कम है, उसकी आय जो होती है वो पूरी ना करमुक्त होगी या फिर जो 1500 तक करमुक्त होगी, तो क्या रहता है इसमें? इस तरह के बच्चे होते हैं जो अवयस्क है, माइनर चाइल्ड है, जैसे कि चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, और भी जो बच्चे हैं जो सिंगर है, या जिनकी आयु 18 ईयर्स से कम है, वो भी अर्न कर रहे हैं, तो उनकी इनकम जो होगी वो अवश्य आएगी, यानी जो 1500 तक है या उनकी जो इनकम है, दोनों में से जो भी कम होगा वो सीमा तक वो टैक्स फ्री होते हैं, उसके ऊपर टैक्सेबल होती है। उनकी इनकम जो होती है, जो उनके पेरेंट्स की इनकम होती है, उसी में ऐड कर ली जाती है, उसी पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकखाने के व्यक्तिगत बचत खाते पर अधिकतम ब्याज कर मुक्त है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट एग्जेम्पशन ऑन इंडिविजुअल अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट इज 2500, 3500, 4500 होल अमाउंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस में आपने अगर सेविंग अकाउंट को ओपन करवाया है, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो किस सीमा तक, कहाँ तक आपका टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा? तो वो हो जाता है कि जो 3500 तक की जो इंटरेस्ट होगी वो करमुक्त होती है, टैक्स फ्री होती है, उसके ऊपर जितना मिलेगा वो सब टैक्सेबल हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी आय करमुक्त है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड, डीएनएस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। तो यहाँ पर जो आप सैलरी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर तीन चीजें रहती है, एक तो बेसिक सैलरी हो जाती है, दूसरी हो जाते हैं कुछ आप लोग के अलाउंसेज होते हैं, और कुछ आपके अनलाभ हो जाते हैं। तो जो अलाउंसेज होते हैं उसमें से क्या होता है, तीन तरह के होते हैं, कुछ हो जाता है कि फुली पेड होते हैं, कुछ हो जाते हैं पार्टली हो जाते हैं, और कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन से पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। तो जो डेयरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता, वो तो पेड होता है,
सटीक कंपनसेशन अलाउंस जिसे सीसीए बोलते हैं शॉर्ट में, वो भी पेड होता है। जो आपका फॉरन अलाउंस होता है वो जो अलाउंस होगा वो क्या हो जाता है, कर मुक्त होता है, एग्जेम्प्ट होता है। बाकी मेडिकल अलाउंस भी पेड होता है, मेडिकल अलाउंस भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा भत्ता कर मुक्त है, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 1%, 4%, 2%, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर शिक्षा भत्ता की बात की जा रही है, शिक्षा सुविधा भी होती है, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में यहाँ पर भत्ता पूछ रहा है, सुविधा नहीं पूछ रहा है। तो जो शिक्षा भत्ता होता है, एजुकेशन अलाउंस होता है, वो कितने तक कर मुक्त होता है, तो वो होता है सिर्फ 2 बच्चों के लिए, यानी 2% के लिए ही टैक्स फ्री होता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे तो पार्टली पेड होता है, पूरी तरह नहीं होता है, कुछ सीमा तक कर मुक्त होता है, उससे ज्यादा अगर होता है तो पेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपए वेतन तथा 10,000 रुपए मनोरंजन भत्ता मिला, उसे मनोरंजन पर 6,000 रुपए व्यय किए, इसे धारा 16 और धारा 2 में कटौती मिलेगी। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव्ड सैलरी रुपीज 1,20,000 एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ही स्पेंड 6,000 ऑन एंटरटेनमेंट। ही इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मनोरंजन भत्ता होता है, अगर जो अगर प्राइवेट एम्प्लॉय है तो पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो वहाँ पर उसे कुछ कटौती दी जाती है, कुछ रिडक्शन दी जाती है। किस तरह से दी जाती है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,20,000 वेतन है, सैलरी उसकी दे रखी है 1,01,30,000 की, और उसको जो मनोरंजन भत्ता मिला है 10,000 का मिला है, और जो 6,000 रुपये उसने एक्चुअल में व्यय किए हैं, तो उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने में पता होगा कि 3 पॉइंट बनते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट बनता है वो हो जाता है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना उसे रिसीव हुआ था 10,000 का। सेकंड पॉइंट बनता है 20% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी दे रखी है 1,20,000 की, तो यहाँ पर जो सैलरी होगी उसका 20% निकाल लीजिए, 1,20,000 का 20% कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट, जो कि कितनी है 5,000 की है, तो यहाँ पर जो सबसे कम होता है वो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, जो आप लोग को मैक्सिमम लिमिट है 5,000 की, वो सबसे कम हो जाएगा और वही क्या हो जाता है, हमारा टैक्स फ्री पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से निकालना है, जो तीनों पॉइंट में सबसे कम होगा वो टैक्स फ्री पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि पूछा था आपसे कि कर मुक्त भाग कौन सा है, टैक्स फ्री पार्ट कौन सा, अगर क्वेश्चन आपसे टैक्स फ्री की बजाय ये देखा कटौती कितने की मिलेगी इसके बजाय ये दे रखा होता कि कितना टैक्सेबल होगा, तो जो उसे एक्चुअल में उसे रिसीव हुआ था उसमें से हम जो मिनिमम हमारा जो निकल के आया था, यानी टैक्स फ्री पार्ट निकल के आया था, उसको हम लेस कर देते, तो वहां पर जो आता आंसर हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स, डेयरनेस अलाउंस, हाउसेंट अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर डेयरनेस अलाउंस भी होगा, हाउसेंट भी होगा, तो फॉरेन अलाउंस होता भी पहले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने कि वो ही क्या हो जाएगा, कोई तो एग्जेम्प्ट होता है, आयकर से मुक्त होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम रकम है, द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज 5,000, 10,500, 1/5 ऑफ सैलरी, नॉट एट ऑल। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जो मनोरंजन भत्ते की होती है कटौती, उसकी अधिकतम सीमा कितनी होगी। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था वहाँ पर आपको बताया ही था कि 5,000 क्या होती है मैक्सिमम लिमिट होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर वही हो जाएगा आपका 5,000। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल वेतन में से कटौती मिलती है, रिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर जो आप लोग का सकल वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी होती है, उसमें से किसकी कटौती मिलती है, व्यवसाय कर की, मार्जिन कर की, आय कर की, या फिर बीमा प्रीमियम की, उसमें जो कटौती मिलती है वो हो जाती है प्रोफेशनल टैक्स की, जो प्रोफेशनल टैक्स होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन में शामिल है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल, ऑल ऑफ दीज। सैलरी में क्या चीजें आती है, तो सैलरी में तीनों ही चीजें आती है, वेजेस भी आती है, पेंशन भी आती है, कमीशन ऑन सेल भी आता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेतन में शामिल होते हैं सैलरी इंक्लूड, कैश रिसीव, एक्सरसाइज, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सैलरी होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, नगद प्राप्तियां भी आती है, अनुलाभ भी आता है, और वेतन के स्थान पर लाभ भी आता है, तो तीनों ही चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेल्ड बाय,
गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तभी पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वहाँ पर जब भी एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, कभी कभी उसमें भी कई क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो जैसे पहला मैंने क्वेश्चन आप लोगों को जो सॉल्व करवाया था अमेरिकन, उसमें आप लोगों के आगे के दो क्वेश्चन के आंसर थे। तो यहाँ पर जो मनोरंजन भत्ता होता है उसकी जो छूट मिलती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। इंटरेस्ट गेटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 8%, 9%, 9.5%, 10%। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा, तो उसमें जो भी राशि जमा होती है, जमा होता है, जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है वो किस सीमा तक कर मुक्त होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि एक सीमा तक जो होगा टैक्स फ्री होता है, उसके अबव जितना होता है उसको टैक्सेबल में पार्ट में डालते हैं हम लोग, शामिल करते हैं जो उसकी इनकम फॉर्म सैलरी से निकाल रहे होते हैं टैक्सेबल इनकम, तो वहाँ पर कितना हो जाता है 9.5% तक इंटरेस्ट रेट जो होता है 9.5% तक होता है, वहाँ तक उसकी कटौती मिलती है, कर मुक्त होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर कर मुक्त है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ऑन कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जब से सॉल्व किया करिए तो ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, क्योंकि दोनों के लिए रूल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि रिटायर्ड हो रहा है, तो उसको जो भी राशियाँ मिल रही हैं, ग्रेच्युटी है या फिर अर्न लीव है या फिर पेंशन की पूरी एक साथ कम्यूटेड वैल्यू है, तो वहाँ पर कौन सी राशि जो होती है वो कर मुक्त होगी। तो तीनों ही क्या होती हैं, वो टैक्स फ्री हो जाएंगी क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी चिकित्सालय बिलों की प्रतिपूर्ति कर मुक्त होती है। रिइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स ऑफ ए प्राइवेट हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट अप टू 8,000, मेल 20,000, 25,000। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी निजी चिकित्सालय में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं ली गई है, मेडिकल फैसिलिटी ली गई है, तो वहाँ पर जो उनको बिल है उसमें कितनी उसको कर मुक्त होगा, कितने की छूट मिलेगी। इसे कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी, नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंस इज फुली एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, एग्जेम्प्टेड इन बिग सिटीज, एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो मकान किराया भत्ता जो होता है वो क्या होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है, फुली टैक्सेबल नहीं होता, नहीं फुली जो है एग्जेम्प्ट होता है, एक सीमा तक कर मुक्त होता है। उसको निकालने का भी फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला हो जाता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड हो जाएगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बन जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट बनता है 50% ऑफ सैलरी या फिर 40% ऑफ सैलरी, वो डिपेंड करता है कि सिटीज पर। तो यहाँ पर उसके बाद जो सबसे कम होता है अमाउंट वो हो जाता है इन द अबव, यानी कि तीनों में से जो कम होता है वो हो जाता है टैक्स फ्री पार्ट। और टैक्सेबल कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी दे रखा होता है कि एक्चुअल जितना हमको रिसीव हुआ है जा रहे उसमें से हम टैक्स फ्री पार्ट को लेस कर देते हैं, तो हमारा टैक्सेबल आ जाता है। ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी बताया, क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, तो वहाँ पर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुफ्त पेंशन कर योग्य होगी। द कम्यूटेड पेंशन इन केस द एम्प्लॉयर डजंट गेट ग्रेच्युटी शैल बी टैक्सेबल 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, 2/3 ऑफ टोटल पेंशन, 1/4 ऑफ टोटल पेंशन, 1/1.5 ऑफ टोटल पेंशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एम्प्लॉय है जिसे ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, तो वहां पर जो उसे पेंशन मिल रही है, एक मुश्त राशि मिल रही है, उसमें से कितनी टैक्सेबल होती है। तो अगर उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो 1/1 होती है, 1/2 भाग जो होता है वो कुल पेंशन का क्या हो जाता है, करयोग्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर उसे ग्रेच्युटी मिल रही होती तो वहां पर कितना हो जाता है, 1/3 किया जाता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सरकारी कर्मचारी जो कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए करमुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि क्या है। इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, 10 लाख, 2,50,000, 20 लाख, 5 लाख। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 है, कोई गैर सरकारी कर्मचारी है, यहाँ पर इनकम टैक्स में पूरा आप एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि सर्वेंट कौन सा है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, क्योंकि दोनों के लिए ही रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या है, गैर सरकारी कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय है, और वो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंदर आ रहा है, तो वहां पर जो उसकी अधिकतम सीमा हो जाती है, जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो क्या होती है, वो हो जाती है 20 लाख यानी कि 20 लाख। तो आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम होती है। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड अप टू 10 लाख। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत सी सुविधाएं मिलती है, बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, इसीलिए सब लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, तैयारी करते हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे किसी भी कंपटीशन की। आजकल तो वैसे काफ़ी डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है लेकिन अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो उस कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आगे जो भी लाइन में आप जाना चाहते हैं उसकी तैयारी आप अभी से शुरू करिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि सरकारी कर्मचारी को कितनी रकम होती है, तो उससे पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होती है, फुली एग्जेम्प्टेड है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यकालीन सेवाओं के बदले में समय समय पर मिलने वाली राशि को कहते हैं। द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मनी फॉर द पास सर्विस इज नोन एज पेंशन, कमिटेड पेंशन, ग्रेजुटी, नन ऑफ दीज। यानी कि जो पहले हमने सर्विसेज दी थी उसके लिए अब हमें टाइम टू टाइम जो भी अमाउंट मिल रहा होता है तो क्या कहलाता है, तो आपको पता ही होगा पेंशन कहलाता है। आपके घर में जो पहले के लोग होंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विस में थे तो उनको अभी पेंशन मिल रही होगी। अब तो खैर गवर्नमेंट ने पेंशन समाप्त कर दी है, पेंशन खत्म कर दी है, लेकिन पहले के जो टाइम के लोग थे उनको अभी भी पेंशन मिल रही है, तो वही हो जाती है पेंशन। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आय के विभिन्न शीर्षकों का योग कहलाता है सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एडजस्टेड। किस आय पर जो होता है टैक्स लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 हेड होते हैं आय के, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन हो जाता है, प्रॉफिट या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाता है, और साथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाता है। तो इन 5 हेड से जो इनकम कैलकुलेट की जाती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है, सकल कुल आय कहलाती है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि आय के विभिन्न शीर्षकों का योग क्या कहलाता है, वो हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम सकल कुल आय। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब उस में से हम अपनी जो 80C से 80U तक की जो डिडक्शन मिलती है, कटौतियाँ मिलती हैं, उसको लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तब हमारी जो इनकम निकल के आती है वो हो जाती है हमारी टोटल इनकम, और उसी टोटल इनकम पर कर लगाया जाता है, टैक्स दिया जाता है। जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है उस पर नहीं दिया जाता, बल्कि जो टोटल इनकम होती है उस पर ही टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ इतना पूछा था कि पांचों शीर्षकों से, पांचों हेड्स से जो कैलकुलेट करके इनकम आती वो कौन सी होगी, वो हो जाती है सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आय में से धारा 80C की कटौती नहीं मिलती, आउट ऑफ विच इनकम रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज नॉट अलाउड। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन में कह रहा है जो 80C की डिडक्शन होती है इसमें से किस में वो नहीं मिलती, किस हेड में वो नहीं मिलती, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में भी मिलती है, हाउस प्रॉपर्टी में भी मिलती है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी मिलती है, वो आपकी LTCG में नहीं मिलती, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलती। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम में आय के शीर्षक है नंबर ऑफ हेड्स एंड इनकम टैक्स एक्ट आर 3, 4, 5, 6। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया 5 हेड होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आय में से धारा 80G की कटौती नहीं मिलती, आउट ऑफ विच इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G इज नॉट अलाउड। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह की इनकम जो होगी इसमें 80G की कटौती नहीं मिलती, तो पहले हम बात कर लेते हैं 80G पर कि 80G है किससे रिलेटेड। तो जो आपके दान दिए जाते हैं उससे रिलेटेड हो जाती है, जो चैरिटी डोनेशन दी जाती है उससे रिलेटेड हो जाती है हमारी 80G। तो 80G के डिडक्शन किसने नहीं मिलती, किसमें कटौती नहीं दी जाती है, तो वो हो जाएगा आपका जो अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, उसमें नहीं दिया जाता, बाकी इन तीनों ही हेड्स में 80G की कटौती दी जाती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल आय, यहाँ पर आपकी इनकम एक दे रखी है 4,20,194.50 है, तो पूर्णांकित आय होगी, टोटल इनकम इज 4,20,194.50, द राउंडेड ऑफ इनकम शैल बी। यहाँ पर आपको ये बताया है क्योंकि जो टैक्स लगता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ग्रॉस टोटल इनकम हम पांचों हेड से कैलकुलेट करके निकालते हैं, टोटल किया ग्रॉस टोटल इनकम आ गई,
उसमें से हमने ATC से ATU तक की डिडक्शन दे दी। अब जो हमारी बची वो टोटल इनकम हो गई। अब टोटल इनकम जो होती है वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपका पूरा राउंड ऑफ अमाउंट में निकले, जैसे 4,20,000 या 4,25,000 इसी तरह से निकले। हो सकता है वो आपका जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है निकले, तो वहां पर हम राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि जो टैक्स लगाया जाता है वो आपकी राउंड ऑफ इनकम पर ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर उसे पूर्णांकित कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन है पूछ रहा है। तो 4,20,194 जो है वो पूर्णांकित होकर राउंड ऑफ होकर कितना बनेगा, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो 5 से अगर ऊपर दे रखा होता है तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, अगर 5 के ऊपर नहीं दे रखा होता तो उसे राउंड ऑफ छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्योंकि 4,20,194.50 दे रखा है तो उस 50 पैसे को हम छोड़ देंगे, वो जीरो हो जाएगा। और उसके बाद का भी जो अंक है वो भी क्या है, 5 से कम है, तो उसको भी आप छोड़ देंगे। तो जहाँ पर राउंड ऑफ होकर जो इनकम आएगी, तो यहाँ पर राउंड ऑफ होकर जो इनकम आएगी वो हो जाएगी हमारी 4,20,190। टेक्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आय को पूर्णांकित किया जाता है, विच इनकम इज राउंडेड ऑफ, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको समझाई दिया कि कौन सी इनकम राउंड ऑफ की जाती है, जो टोटल इनकम होती है, कुल आय होती है। टेक्स आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।